कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है तुम्हारा मैथ्स में? अच्छा ठीक बात है। हाँ भाई तो बताओ, वैसे तो सॉलिड देखो, अब पहले एक दो ग्राफ देखेंगे हम, ठीक है, सॉलिड्स वगैरह, फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? पहले दो ग्राफ देखेंगे, छोटे से ग्राफ हैं, उसमें भी सारा अपने दिमाग में नहीं डालना। जिसको पहले दो ग्राफ समझ में आए तो वेल एंड गुड है, वरना आगे चलेंगे, आगे चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो ग्राफ कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर। आइए सर एक बार देखते हैं, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पहले ग्राफ देखेंगे। ठीक भैया, अब एक बात बताओ मेरे को कि सर सॉलिड में जो भी होता है सर, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे, होंगे या नहीं होंगे? यस सर, तो फोर्सेस के बीच, यस उन सर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती है, उनका नाम क्या होता है सर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर होता क्या है, फर्क क्या है इनमें? इंटरमोलिकुलर होती है एक, होती है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमॉलिक्यूलर वो होती है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं। वेरी गुड, और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है फिर? आप कभी ने आप दो दो टर्म सुनी होंगी, जब आपका गेम चल रही होती है स्कूलों में या कैसे भी, एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, यस सर, या यस सर, यूनिवर्सिटी में हो तो इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर स्कूल या इंटर इंट्रा स्कूल, ऐसे ही एक होता है इंट्रा स्कूल या इंट्रा यूनिवर्सिटी। क्या फर्क है दोनों में, इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल? सोचो 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 स्कूल के सोचो। अंदर, इंटर स्कूल के अंदर, वो स्कूल के बाहर? मतलब अपने स्कूल के अंदर और हाँ इंट्रा किसी दूसरे के स्कूल में। इंटर तो सही है, लेकिन क्या फर्क है सर? लोकेशन का फर्क नहीं है, है ना? पूरी तरह से ऐसा तो नहीं है कि इंटर में सर स्कूल के अंदर खड़ा करके पकड़म पकड़ाई खिलाएंगे, इंट्रा में स्कूल के बाहर खड़ा करके कह देंगे सर एक दो तीन मूर्ति बन जाए, नहीं ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा सर। इंट्रा का मतलब, इंटर का मतलब, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा जहां पर भी हो जाए तो बोलो जाए एक ही, एक ही। इंट्रा स्कूल मतलब उसी स्कूल में उसी के बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं, उन्हीं के बीच में कंपटीशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे इंट्रा इंडी, स्कूल मतलब आपका कोई भी स्कूल है, मान लो GSSS, कौन कौन से हैं, कांगड़ा है, ठीक है, कांगड़ा है, हाँ मंडी, कांगड़ा है सिर्फ, ठीक है, तो कांगड़ा के स्कूल का इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो रहा है ना, तो वहां पर सिर्फ कांगड़ा वाले उसी स्कूल के बच्चे होंगे जिस स्कूल में वो कंपटीशन हो रहा है, और उन्हीं के बच्चों के बीच में आपस कंपटीशन होगा, एक ही स्कूल में एक ही स्कूल के बच्चे। क्लियर? ये सुनो, इंटर स्कूल मतलब सर अब कांगड़ा और मंडी दोनों के बीच में हो रहा हो, इंटर स्कूल हो गया। ये क्या हो गया सर? इंटर स्कूल, दो स्कूलों के बच्चे आपस में कंपीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्कूल। क्लियर है सबको? ऐसे ही सर, अब मैं तुमसे पूछूं, सर। इंट्रा यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है, कोई बता सकता? इंटर यूनिवर्सिटी मतलब इंट्रा जो उसी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं गेम्स, और इंटर यूनिवर्सिटी मतलब जो बाहर की यूनिवर्सिटीज भी हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज भी वहां पर, ऐसा ही इंटर मोलिकुलर। अब इंटर मोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर में फर्क क्या होगा? इंटर मतलब जो उसी के होंगे, उसी के होंगे, और इंटर इंट्रा मतलब जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की बात कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर है सर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं सर, ठीक है। ये मॉलिक्यूल GSSS मंडी से आया है, ये मॉलिक्यूल सर कहाँ से आया हुआ है सर? कांगड़ा से आया हुआ है सर, ऐसे ऐसे, है ना? ऐसा मत समझना, है तो सॉलिड्स के ही पार्ट, उसी सॉलिड के हैं लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक। तो उस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्सेस होगी उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। अब खास बात क्या है, ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी होगी ना सबने, एक सेकंड, यस कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी होगी, राइट? वैसा तो होता ही होता है, वो तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे ज्यादातर, बट मैं बोल दूं तो आप सबने, अब इंटर मॉलिक्यूलर किस किस चीज पे डिपेंड करती है? इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी की पार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी इसी का पार्ट हो जाता है, और वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स सुना हुआ है? ओके, यस वो अट्रैक्टिव फोर्स सर, होती है, हमेशा किसके कारण होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मास के कारण होती है, और अट्रैक्टिव हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव। और मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। क्यों? अगर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे तो सेम चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो रिपल्सिव रिपेल। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सर चार्ज की बात क्या आई? कि मॉलिक्यूल सर एटम से मिलकर बने होते हैं, सबका न्यूक्लियस है सर,
सबका न्यूक्लियस है सर, सबके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा सर, ये सारी फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और वंडरवाल फोर्सेस भी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है, वो सारी चीजें हैं, ये सारी इंटरमोलिकुलर। पर क्या देखना चाहते हो, हम इनका वेरिएशन देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स पर फोर्सेस का कैसा फर्क पड़ता है जब ये मॉलिक्यूल बहुत बहुत क्या आ जाए, पास पास, और क्या हो जाए, बहुत दूर। दूर दूर, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वही देखेंगे। तो हम फोर्स का ग्राफ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अभी के लिए जो मैं मेजर फोर्सेस कंसीडर कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और कौन सी है सर, वंडरवाल। अब ध्यान से देखना, जब मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाए, बहुत क्या आ जाए, पास आ जाए, जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे ना, तो एक का न्यूक्लियस वाला पार्ट दूसरे के न्यूक्लियस वाले पार्ट पास आने लगेगा, तो ये आपस में क्या करेंगे सर, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे सर, रिपेल करेंगे, रिपेल दूर भेजेंगे। जब बहुत पास आने लग जाएंगे ना मॉलिक्यूल, बहुत पास, तो सर क्या करने लग जाएंगे सर, रिपेल करने लग जाएंगे सर, रिपल्शन करने लग जाएंगे सर। और रिपल्शन का मतलब सर क्या होगा, जब अब की बात करो, जब ये बहुत क्या होंगे, पास पास पास, पास करीब नियर, पास वेरी नियर। अच्छा, अब यानी जब अब क्या होगा, अगर मान लो वेरी नियर नहीं है, तब दूर है थोड़े से, और दूर कर दू, बहुत दूर कर दू, अब बहुत दूर कर दू, क्या चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएंगे, अब नो नो सर सर, नो किसी सर का किसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा ही नहीं होगा सर, नहीं कर पाएगा। अब दूर चले जाए तो रिपल्शन तो चली जाएगी, सिर्फ कौन सी फोर्स रह जाती है ज्यादा, अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव ये कब की बात हो रही है सर, दूर। तो सर अट्रैक्टिव फोर्स भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण आ रही होगी, आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो थोड़े टाइम तक की, थोड़ी देर दूर तक रहती है, अब तो बहुत दूर कर दिया, तब अट्रैक्शन फोर्स कौन आ गई सर, आपको पता है और फोर्सेस भी तो है इसमें, जैसे कि ये अट्रैक्शन फोर्स किसके कारण आ रही की होगी सर, वंडरवाल फोर्स के कारण, किसके कारण आ रखी होगी सर, वंडरवाल फोर्स के कारण। आप सर, मॉलिक्यूल्स को कितने भी दूर रख दो, कितने भी दूर रख दो, उसके पास अट्रैक्शन फोर्स होती होती है, वंडरवाल फोर्स उसके पास होती होती है, लेकिन वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी, वो कोई बात नहीं, लेकिन होगी तो सही। और उसका नेचर हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव, कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव, समझ में आ रहा अट्रैक्टिव है सर। यस सर ठीक है, तो वंडरवाल फोर्सेस तो होंगी ही होंगी, कौन सी सर, वंडरवॉल वंडरवाल। अब एक बात, मेरे को एक बात बताना, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कुछ समझ आ रहा है सर, जब मॉलिक्यूल्स पास पास हो, बहुत नियर हो सर, आर की वैल्यू बहुत कम हो, तो सर कौन सा फोर्स होगी ज्यादा डोमिनेट, रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो रिपल्सिव है, ऐसा भी बोल सकते हो, बट मेन चीज है रिपल्सिव। जब आर ज्यादा हुआ होगा तब अट्रैक्टिव अट्रैक्शन अट्रैक्टिव, तो यही हमने देखना है, आओ दिखाता हूँ, सॉरी। तो देखो ये एफ है, ये डिस्टेंस है, जब बहुत दूर हो चुका है, डिस्टेंस की वैल्यू बहुत दूर हो चुकी है, जब कौन सी फोर्स है, देखो अट्रैक्टिव, जब आर की वैल्यू बहुत कम है, यानी ये पास है, आर कम है, तो कौन सी फोर्स है सर, ये रिपल्शन क्लियर है, रिपल्सिव जैसे जैसे दूर चले जाएंगे तो रिपल्शन खत्म, कम होती जाएगी और अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी क्लियर है सबको, हाँ या ना। बीच में कुछ रहेगा, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा सर, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, तब क्या होगा सर, ये आर नॉट पॉइंट ना, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगी, तो ना रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन भी नहीं होगी, तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो जीरो। जीरो भाई रिपल्शन घटते 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 घटते, रिपल्शन को पॉजिटिव फोर्स बोल दो एक बारी के लिए, और अट्रैक्शन को क्या बोल दो, नेगेटिव। नेगेटिव तो पॉजिटिव से नेगेटिव आने के लिए बीच में एक पॉइंट आता, ऐसा भी तो आएगा जिसे वैल्यू क्या होगी, जीरो जीरो। तो जीरो वही जीरो पॉइंट पे बोल देते हैं कि नेट फोर्स ही जीरो है, उस पॉइंट डिस्टेंस को बोल दिया आर इज इक्वल टू आर नॉट, आफ्टर दिस डिस्टेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड बिकम्स जीरो, जीरो डिस्टेंस आर नॉट, यहां से बात कर रहे हो, इसने उल्टा ग्राफ शुरू किया, तो आर नोट पर जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, फोर्स क्या होगी यहाँ पर, जीरो। और जब भी इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो होती है तो बॉडी कैसी रहती है, मेरी इक्विलिब्रियम, सेम ये बात याद रखना, क्लियर है सबको, यस और नो। यस सर यस देखो अब मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारी फोर्सेस होती है, तो एक किस्म से इंटरमोलिकुलर में कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक भी है, और वंडरवाल भी है, साथ साथ इसमें आता रहेगा,
बट आगे चलते हैं, हमें इतना ही याद रखना था इस फोर्सेस में। अगर आप फोर्सेस का डायग्राम तुम्हें दिख जाए ऑप्शन में तो बता दोगे ना, अगर ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, दूर दूर है, तो कौन सी फोर्स डोमिनेट है? अट्रैक्टिव फोर्स, और पास है, डिस्टेंस कम है, तो क्या है? क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो लार्जर डिस्टेंस पर इंटर, वैसे तो बहुत दूर डिस्टेंस होता है ना, बहुत दूर, तो मॉलिक्यूल ही दूर है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, लेकिन अगर होगी तो कौन सी वाली होगी सर? अट्रैक्शन वाली, ज्यादा डोमिनेट। चलिए सर चलते हैं, करें सर। अच्छा एक और कर, कभी कभी दिखा देते हैं, ये दिख रहा है आप सबको, ये फॉर्म, ये किसके बीच में है सर ग्राफ? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। अब क्या होता है सर, मैंने आपको ना वर्क पावर एनर्जी में एक फॉर्मूला बताया था, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। अगर याद हो तो बढ़िया, वरना दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यही हमारे पास क्या होता है, फोर्स। अगर धीरे धीरे देखो, अगर फोर्स कहीं पर जीरो हो जाए तो वहां पर डी यू बाई डी आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। और डी यू बाई डी आर जीरो होने का एक मतलब ये भी है कि यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन हमने अभी याद ही रख लेना इस चीज को, डी यू बाई डी आर इस केस में अगर जीरो है तो क्या होगा? यू मिनिमम। मिनिमम जब भी आप देखते हो ना, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है तो वहां पर y क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है या y मिनिमम। यहाँ पर हम दिमाग में रख लेंगे, हमने आगे कैलकुलेशन करी हुई है और हमने फाइंड आउट किया हुआ है कि ये u क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, याद रखना, ठीक है? तो सर एक बात बताओ, पीछे हमने देखा था नेट फोर्स जीरो कहाँ हुई थी, जब r किसके इक्वल था? r नॉट। r नॉट, तो जब r r नॉट के इक्वल है तो f भी जीरो है, और अगर F जीरो है तो U कैसा है उस केस में? मिनिमम। मिनिमम, तो देखो यहाँ पर जब R R नोट के इक्वल है तो यहाँ पर U छोटा कम आया, U नोट आया, लेकिन इसको क्या बोलूंगा, U मिनिमम, ठीक है? वहां पर R नोट डिस्टेंस पर, वहां पर R नोट डिस्टेंस पर, वहां पर R नोट डिस्टेंस पर फोर्स क्या था? नेट फोर्स जीरो था, यहाँ पर R नोट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। तो यहाँ पर मिनिमम है, और आर नॉट डिस्टेंस का एक और नाम दिया था, इस पॉइंट पे पार्टिकल कैसा रहता है, अपना मॉलिक्यूल कैसा होता है? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम, तो यानी इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स जीरो होती है, और इक्विलिब्रियम पे ही पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होती है? मिनिमम। ये हमेशा याद रखना, आप कोई तुमसे पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है, तो क्या बोलोगे सर? इक्विलिब्रियम पे, और वो भी स्टेबल होता है, स्टेबल भी हो सकता है ना, स्टेबल है, कैसा है सर? यहाँ पर स्टेबल है पार्टिकल, पार्टिकल कैसा है? स्टेबल। तो कोई भी पार्टिकल अगर स्टेबल रहना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी को मिनिमम। अब लेटे रहना पसंद करते हो या ट्रेडमिल पर भागना पसंद करते हो? रिलैक्स कब होते हो तुम? लेट के है ना, लेट के सर, आराम से लेटे सर, आराम से, तो उसको बोलते हैं जब मिनिमम एनर्जी में अपना पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम है तो पार्टिकल अपना स्टेबल है, स्टेबल। अब अगर मैं आर को आर नोट पर रखता हूँ तो पार्टिकल स्टेबल है, और इक्विलिब्रियम पे अगर आर नोट की वैल्यू बढ़ा दूं, R की वैल्यू सॉरी बढ़ा दूं, तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, हाँ या ना? देखो बढ़ रही है सर। और अगर R की वैल्यू R नॉट से कम कर दूं, तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों ग्राफ देख लो आप, यहाँ पर भी देख लो और यहाँ पर भी देख लो, जब R नॉट से वैल्यू ज्यादा हो रही है, जब R की वैल्यू R नॉट से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, देख लो यहाँ, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ऐसे यहाँ पर आर नोट से कम हो, तब भी देखो वैल्यू कर्व ऊपर जा रहा है, यानी वाई की वैल्यू बढ़ नहीं रही, देखो यहाँ से तब भी बढ़ रही है। आर लेस देन आर नोट हो तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम सिर्फ कहाँ होगी? आर इज इक्वल टू आर नोट, आर नोट यहीं पर स्टेबल होगी पार्टिकल। क्लियर है सबको? तो ये कर्व कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसीलिए आपको करवाया है। क्लियर है? यस और नो? एक तो फोर्स वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला, कब कब पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी है, स्टेबल कैसा है, और सब आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो। क्लियर? चले आगे, आओ सर, बस इतना ही। अब आ जाओ असली क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी करा दिया तो अभी टाइम लग जाएगा इसमें,
और तुम सोचोगे सर क्या क्वेश्चन तो आपने क्या डाला था सर व्हाट्सएप पर और करा क्या रहे हो, तो हम पहले उस पर आते हैं, क्लियर है? आओ आ जाओ। अभी तक जो अभी आपने पढ़ा है स्कूल में, रोटेशन चैप्टर हो गया होगा आपका स्कूल का, है ना, हो गया होगा? तो रोटेशन चैप्टर तक जो भी आप पढ़ के आए हो वो सारा रिजिड बॉडी के लिए। नो सर। अगर नहीं भी हुआ तो भी, वो किसके लिए? सारा रिजिड बॉडी के लिए। किसके लिए बच्चों? रिजिड बॉडी। अब लेकिन रिजिड बॉडी की बात नहीं, होती क्या है रिजिड बॉडी, मैंने लिखा भी हुआ ऊपर सर, जिसकी साइज और शेप चेंज नहीं होती है। हाँ सर, खड़ा रहेगा रिजिड सर, कुछ भी फोर्स लगा लो सर ये हिलेगा भी नहीं। अरे मतलब मान लो ये है, मान लो कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगा दूं तो इसकी ना शेप चेंज हो रही है ना इसका साइज चेंज हो रहा है, तो मेरे लिए ये कैसी बॉडी हो गई? रिजिड बॉडी। लेकिन अभी हम तो थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊं टेम्परेचर करके कुछ भी, इसकी शेप भी चेंज हो सकती है, इसका साइज भी चेंज होने के कुछ हो सकता है। तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो एक्चुअल में क्या हो, रिजिड बॉडी। ऐसा नहीं है सर जो कभी ना टूटता हो, कभी ना कभी तो कोई ना कोई टूटेगा ही सर, है ना, हर इंसान कभी ना कभी टूट जाता है ना, वही सर, वैसा सैड बंदे, क्लियर है, वैसे वाला स्टेटस याद रखो। तो कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती सर। तो फिर बॉडी होती क्या है सर? इलास्टिक। कैसी होती है सर? इलास्टिक। अच्छा सर, सॉलिड इलास्टिक होते हैं। हाँ सर, इलास्टिक होते हैं। अब ये इलास्टिक क्या बला है सर? इलास्टिक वो बला है सर, अब मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लगाई मैंने, है ना, फोर्स लगाई सर, जैसे ये है ना, इसके ऊपर मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई सर, तो ये फोर्स क्या कर रही है, इसकी शेप को चेंज कर रही है। लेकिन अगर मैंने इस फोर्स को अब हटा दिया तो ये वापिस अपनी शेप में आ गई क्या? यस सर। तो ये चेंज, ये वापस, तो जैसे ही अगर इस फोर्स, ये जो फोर्स मैंने लगाई है जिसने इसकी शेप या साइज को चेंज किया है, इसको मूव किए बिना, इस फोर्स का नाम होता है डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। हालांकि ये एक्सटर्नल फोर्स होती है हमेशा। कैसी फोर्स होती है हमेशा? एक्सटर्नल। क्या इस कॉपी ने अपने आप की शेप को चेंज कर लिया था क्या? मैंने लगाया ना, तो मैंने जो फोर्स एक्सटर्नली लगाई है वो डीफॉर्मिंग फोर्स है, जो इसकी शेप या साइज को चेंज कर दिया इसको मूव किए बिना। क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके सर, तो ये डीफॉर्मिंग फोर्स हो गई। लेकिन अगर डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं और ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो मैं बोलूंगा ये बॉडी इलास्टिक है। ये बॉडी क्या है? इलास्टिक है। जैसे सोफे की गद्दी पे बैठते हैं सर, सोफा नीचे धस जाता है ना, वापिस उठ जाते हैं सर, वापिस भी तो खड़ा हो जाता है, हो जाती है उसकी गद्दी ऊपर। यस सर। कोई कैसा है सर? इलास्टिक। इलास्टिक। लेकिन अगर सपोज कर लो मैं इसको दबाए रहूं और छोड़ू तो अभी ये क्या रहे, और मान लो मैंने फोर्स हटा दी लेकिन अभी भी ये क्या रहे, मान लो दबा हुआ रहे, मान लो क्या रहे, दबा हुआ रहे, तो क्या ये इलास्टिक है? नहीं सर। नो सर, रिजिड। रिजिड है सर, ये रिजिड है सर, ये वो सीधा पेड़ है जो सबसे पहले कटेगा जंगल में, है ना, क्या होना चाहिए, बोला सुनी हुई है वो कहावत तुम लोगों ने जंगल वाले पेड़ की? यस सर। क्या सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते पहले हैं, काटे जाते हैं, है ना, थोड़ा सा इलास्टिसिटी होनी चाहिए, बंदे में भी होनी चाहिए, है ना, हर चीज में ऐसा करते रहोगे तो फिर क्या ही चलेगा हमारा काम। तो ठीक है, रिजिड बॉडी, ध्यान से सुनना, तो रिजिड बॉडी तो सर जिसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वैसे का वैसे रहेगा सर। डीफॉर्मेशन फोर्स अगर किसी पे लगा दी, अब इलास्टिसिटी क्या है कि बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद, डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वो कितना वापिस अपनी शेप को रीगेन या साइज को रीगेन कर सकता है, वही उसकी क्या है, इलास्टिसिटी। अगर ज्यादा रीगेन कर उसी शेप में पूरी तरह से वापिस आ देगा तो पूरी तरह से इलास्टिक है, कम तरीके थोड़ा सा बेंडिंग रह जाती है बची हुई, फोर्स लगाने के बाद भी वो मुड़ा हुआ रह गया तो इलास्टिसिटी क्या है, कम है, और वापिस चेंज ही नहीं हुआ तो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं। क्लियर है सबको? तो डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद बॉडी कितना अपनी रीशेप, अपनी शेप में वापिस आ सकती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर? इलास्टिक। क्लियर है सबको, है ना? जैसे सर मान लो मेरी कमर है, मान लो कितने की हो जाए, 45 से 45 की, इतना मोटा हो जाऊं मैं, है ना, फिर मैं जिम भी जाऊं
है ना, ये तो मेरी डिफॉर्मिंग फोर्स होगी सर, मैंने एक्सटर्नल, वैसे तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं हुई, ये इंटरनल फोर्स हो गई, बट फिर भी मान लो मेरे खाने की वजह से मेरा अच्छे खासे मेरी टोन वगैरह सब पेट बाहर आ गया सर, ठीक है, तो मेरी सर शेप तो चेंज हो गई, हो गई या नहीं हो गई? पहले मैं सर वी शेप में था मान लो, मेरे उसके बाद अब क्या हो गया सर, मान लो मैं किस शेप में आ गया सर, फुटबॉल शेप में आ गया, तो शेप तो चेंज हो गई, लेकिन अब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा, जिम जुम जाऊंगा, फिर भी मेरी शेप चेंज ना हुई, तो मेरा इलास्टिक नेचर है या नहीं है? रिजिड है सर, रिजिड है, लेकिन आपको पता है ऐसा होता नहीं है, आपको पता ऐसा होता नहीं है, अगर जिम जुम जाऊंगा तो सिक्स पैक दोबारा भी बन सकते हैं, तो एक्चुअल में क्या है, इलास्टिक है सर। ये सिर्फ एक समझने का एग्जांपल है, लेकिन हम तो सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, आप सॉलिड नहीं हो, हूं मैं सॉलिड, लेकिन मेरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, हम सबका क्या रहता है सिस्टम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। इलास्टिक, लेकिन फिर उस बॉडी को क्या बोलते हैं जो इलास्टिक नहीं होता, उसका एक और प्लास्टिक नेचर होता है वो, लेकिन पूरी तरह से हम बताएंगे उसके आगे, लेकिन इतना समझ में आया जितना मैंने बताया आपको? अब सर आ जाते हैं सर, अब बात करते हैं सर, इलास्टिसिटी हो गई सर, ये बात तो बताई मैंने, क्या सर, कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट, ध्यान से सुनो, रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन डिफॉर्मेशन फोर्स इज रिमूव्ड, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब बता रहा हूं सर, स्टील और रबर में ज्यादा इलास्टिक कौन है सर? रबर। स्टील कौन ज्यादा होगा, हमें लगता तो रबर है, लेकिन है क्या एक्चुअल में? स्टील। स्टील सर, जिस हिसाब से आपने डेफिनेशन बताई है, तो रबर को अगर चेंज कर दूं शेप तो वापस फटाफट आ जाएगी, लेकिन स्टील की शेप चेंज कर दूं तो फटाफट आएगा क्या? नहीं, तो आता ही नहीं सर, मुड़ा ही रह जाता है वो, तो मुड़ा ही रह जाता है ना, ये सर नो? यस सर। तो इसका मतलब सर गलत हो गए आप, पीछे तो आंसर देने का स्टील, या तो डेफिनेशन गलत है। देखो स्टील को जब हम चेक करते हैं ना बच्चे, हर किसी चीज की एक इलास्टिक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल मैं वही बोल रहा हूँ, मान लो आज मेरा वजन मान लो 70 किलो है, कल को मैं बढ़ा लेता हूँ 80 किलो 90 किलो, है ना, ठीक, उसके बाद जाता हूँ जिम जिम, तो सही से मैं परिश्रम करता हूँ, एक महीना लग के जिम जाता हूँ, दो महीना जाता हूँ, और बढ़िया से सिक्स पैक वापिस आ जाता है, वापिस मेरा वजन कितना हो जाता है 70 किलो। फिर मैंने अपनी राइट का ध्यान नहीं रखा, मैंने डाइट का ध्यान नहीं रखा, मैंने बढ़िया तरीके से मैंने फुल खाया, मोमोज चटनी वाले बढ़िया, है ना, मेयोनी के साथ बढ़िया, बर्गर वगैरह सब खाया, फिर मेरा वजन पहले जो 90 हुआ था एक बारी, अब वो 100 से भी पार चला जाता है, किससे पार चला जाता है, 100 से भी, फिर वो भी मैंने थोड़ा बहुत कंट्रोल करके वापिस अपनी शेप में आना कोशिश कर दी, लेकिन अब मेरा वजन हो जाता है 120 किलो, कितना 120 किलो, 120 किलो के लिए मेरे को रोज सुबह 5 बजे उठ के कार्डियो करने जाना पड़ता होगा, रनिंग पे जाना पड़ता होगा, जो कि मेरे से पॉसिबल नहीं है भाई, सुबह सुबह क्लास भी लेनी होती है कभी कभी, तो नहीं पॉसिबल। अब ये चीज मेरे लिए, जब मैं 100 किलो का था मैंने अपना रीगेन कर लिया वापिस से, जब मैं 90 किलो का हुआ तब भी मैं 70 किलो पे आ गया, लेकिन जब मैं 120 किलो का हुआ तब मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लिमिट रीच हो गई, क्या हो गई सर, मेरी लिमिट रीच हो गई, इससे ज्यादा मैं वर्क नहीं कर सकता था। अब मैं जाऊं रोज सुबह सुबह रनिंग पे जाऊं, फिर क्लासेस भी लूं, है ना, फिर बनाना शेक भी अवॉइड करूं, सब कुछ करना पड़ता था, है ना, तो मेरी लिमिट रेंज, मेरी लिमिट क्या हो गई, रीच हो गई। ऐसे ही इलास्टिसिटी की, हर बॉडी की जो इलास्टिसिटी है उसकी भी एक क्या होती है, लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा दोगे, उस लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर क्या लगा दोगे, फोर्स लगा दोगे, तो बॉडी अपनी शेप को वापिस से रिगेन नहीं कर पाएगी, जैसे आप मैं हूं, है ना, नहीं कर पाएगी। तो होता क्या है, स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन अगर उसकी इलास्टिक लिमिट से पहले देखो ना, तो वो भी अपनी शेप को क्या कर लेता है सर, रीगेन कर लेता है। स्टील की अगर स्ट्रिप को तुम ऐसे धक्का दोगे तो मतलब मोल्ड करोगे तो वापिस आएगा, अच्छे से आएगा, और किससे भी ज्यादा सही से करेगा शेप को रीगेन, रबर से भी ज्यादा। लेकिन हम जो स्टील की बात, हम जब स्टील की बात करते हैं, हम जब भी बात करते हैं कि स्टील मुड़ा हुआ है तो मुड़ा हुआ रह गया, वो कब का बात होती है, हमेशा उसके इलास्टिक रीजन के बाद की बात होती है। अब किसी भी चीज को अगर आप इलास्टिक लिमिट के बाद की बात करोगे तब वो भी अपनी शेप को रीगेन कभी नहीं कर पाएगा। अब रबड़ को बात कर लो, रबड़ की इलास्टिक लिमिट मान लो रीच हो चुकी है, इससे ज्यादा वो नहीं खींच पाएगा, अब उसके बाद वो भी टूट जाएगा, क्या वो वापिस आएगा, नहीं आएगा ना कभी भी। रबड़ को बहुत खींचा है तुमने, कभी खींचा Yes, कभी वापिस भी नहीं आता वो, है ना, टूट ही जाता है बिल्कुल,
तो सर वो भी क्या हो गया, उसकी इलास्टिक लिमिट अब रीच होगी, भाई इससे ज्यादा इलास्टिक नहीं होगा। ऐसे ही जब स्टील को आप उसकी इलास्टिक लिमिट से पहले देखोगे ना, तो वो रबड़ से भी ज्यादा क्या है, इलास्टिक है, रबड़ से भी ज्यादा इलास्टिक है। इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। कब सर, क्यों? क्योंकि स्टील की इलास्टिक लिमिट से पहले की बात क्या करो, स्टील की इलास्टिक लिमिट के बाद बात करोगे तो सर पक्की बात है वो तो फिर कोई भी इलास्टिक नहीं रहता। किसी भी इलास्टिक लिमिट के बाद देखोगे तो इलास्टिसिटी तो क्या ही हो जाएगी उसकी सर, खत्म हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। व्हिच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? स्टील। सर क्योंकि स्टील की इलास्टिक लिमिट कम लग रही है हमें, तो वो अपनी इलास्टिक लिमिट से अगर पहले देखोगे उसकी तो वो अपनी शेप को पूरी तरह रिगेन करता है सर, लेता है, रबड़ से भी अच्छा करता है, इसीलिए सर स्टील इज मोर इलास्टिक। चले आगे, यस और नो? यस सर। आइए सर, अब सर नया क्वेश्चन सर। सर स्ट्रेस और प्रेशर, एक स्ट्रेस होता है सर हमारे पास, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है कोई बता सकता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे ही सर प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। सर इसकी यूनिट भी सेम हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी सेम हो गई, पर नाम क्यों अलग है? अब नाम अलग दे दिया तो इनका काम क्या होगा, पक्की बात है अलग, वरना अलग। सर इतने भी दुश्मन नहीं है तुम्हारे फिजिसिस्ट है ना और केमिस्ट कि तुम्हारे को दो एक ही चीज दो नामों से पढ़ाए, है ना, नहीं होता ना, कभी भी नहीं होगा सर। तो यानी इनका मतलब दोनों का क्या है, अलग है सर। क्या फर्क, तुम खुद ही बताओगे मेरे को, ठीक है? जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारी एक सहेली आके तुमको बोलती है, यार आज तो सर बहुत ही प्रेशर हो रहा है, मेरे को बहुत ही प्रेशर दे रहे हैं सर, काम कर काम कर काम कर, है ना। या मैं सर की भी बात नहीं करता, तुम्हारा कोई फ्रेंड आके तुमसे बोलता है, यार बहुत ही प्रेशर है दिमाग, जीवन में बहुत ही प्रेशर है मेरे, ठीक है, बहुत प्रेशराइज्ड किया जा रहा है मेरे को, बहुत प्रेशराइज्ड किया जा रहा है मेरे को। और कोई दूसरा फ्रेंड आके बोल रहा है, सर यार मैं बहुत ही स्ट्रेस में हूँ, क्या फर्क है, दोनों सेम बातें हैं या अलग हैं? भाई मैं बैठा हूँ, मेरा एक दोस्त आ रहा है, कपीश यार यार बहुत प्रेशर दे रहे हैं मेरे को, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, पहली बंदा ये, दूसरा बंदा आगे क्या कह रहा है, कपीश यार बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं, क्या फर्क है, दोनों सेम चीजें हैं क्या? नो सर। क्या फर्क है दोनों में, सोचो थोड़ा बैठ के। प्रेशर आपको कोई दे रहा है और स्ट्रेस आ रहा है। हाँ स्ट्रेस खुद आ रहा है सर, स्ट्रेस खुद आ रहा है, यही बात होगी ना सबकी, यस और नो? आप खुद ले रहे हो, है ना, स्ट्रेस मेरा खुद से अंदर से आ रहा है। भाई प्रेशराइज तो कोई कर सकता है, जैसे सर हमारे सर पे बैठ गए हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो स्कूल में, है ना, पढ़ते नहीं हो तुम, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, ऐसे ऐसे करके, तो वो प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, घर वाले पीयर प्रेशर कर रहे हैं सर, प्रेशराइज्ड, तो वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से आ रहा है सर हमेशा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। लेकिन सर स्ट्रेस तो तुम खुद ही ले रहे हो, कल एग्जाम है सर मेरे को टेंशन हो रही है, कोई आके मम्मी ने बोला है क्या कल एग्जाम है टेंशन ले टेंशन ले, ऐसे तो नहीं बोला ना, नहीं बोला किसी ने, अपने आप ही टेंशन हो रही है सर, तो खुद से जो हो रहा है इंटरनली, तो ये कौन सी फोर्स के कारण होगा सर? इंटरनली, इंटरनल फोर्स के कारण जो लगे वो स्ट्रेस, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो लगे वो प्रेशर। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। क्लियर, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा सर, प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है? ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और स्ट्रेस कैसी हो गई? वेक्टर? नहीं, अब इसके पास डायरेक्शन तो हो सकती है लेकिन ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर के लॉ सर वो जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ऐसे वैसे लॉ जो वेक्टर्स के और भी लॉज होते हैं उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन इसकी डायरेक्शन हो सकती है। तो सर ये वेक्टर तो नहीं है पूरी तरह, इसलिए इसका नाम क्या होता है सर? टेंसर। क्या क्वांटिटी होती है ये? टेंसर। और उसका भी अभी तुमने ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, बस याद रखना कई बार क्वेश्चन में आ जाए। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है सर? टेंसर। डायरेक्शन तो बात कर सकते हो इसकी कुछ हद तक, लेकिन सर इसकी वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो ही नहीं करता, तो वेक्टर तो नहीं है, इसलिए टेंसर। टेंसर में अलग अलग कैटेगरी होते हैं, टेंसर में ही हम स्केलर और वेक्टर्स को पढ़ते हैं, लेकिन ये टेंसर ऑफ सेकंड रैंक, पर तुमने इसमें नहीं जाना। क्लियर है, बस याद रखना स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है बच्चे? टेंसर। ठीक है सर। हाँ सर, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे सर? सर प्रेशर तो एक ही जगह पे हमेशा जब भी लगेगा तो वो हर डायरेक्शन में लगता, तो उसकी डायरेक्शन की बात ही नहीं होती स्केलर क्वांटिटी। लेकिन स्ट्रेस हम अलग अलग फोर्सेस की वजह से भी देखेंगे, बताएंगे कैसे। और प्रेशर में हमेशा जो फोर्स लगती है ना, ये जनरली हम बात करते हैं, जनरली किसके लिए बात करते हैं प्रेशर की हम?
लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में, प्रेशर की बात कहाँ होगी ज्यादा से ज्यादा? फ्लूइड्स जनरली, जनरली जनरली बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं, लिक्विड्स में, लिक्विड्स भी नहीं बोलू तो फ्लूइड्स बोलू, क्योंकि गैसेस का पार्ट भी कुछ कुछ हद तक हो जाता है, बट फ्लूइड और गैसेस में भी फर्क है। ये जनरली किसमें होता है सर? सॉलिड्स में। तो हम अब तो सॉलिड पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो किसकी बात करेंगे हम? स्ट्रेस की। क्लियर है सबको? यस और नो? फर्क क्या है दोनों में? यस और नो? स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क है? यस और नो? बोले अपना बर्थडे इमोजी भेजिए, बर्थडे इमोजी। यस सर। चलो फिर बढ़िया, अब आ जाओ सर। स्ट्रेस हो गया सर, प्रेशर हो गया सर, अब क्या करवा रहे हैं सर? अब ये करवा रहे हैं सर, अब एक बात करते हैं सर फटाफट। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे फिर बंद कर देंगे सर। देखो सर, एक पानी है इसके अंदर, क्या है? पानी। पानी बोल दो या कोई फ्लूइड है सर। मैंने ना इसके ऊपर एक पिस्टन रख दिया सर, बड़ा सा, एक फोर्स लगाने के लिए, टॉक टॉक टॉक। अब क्या होगा सर इस पानी के साथ? ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ मैं इसको, अब क्या होगा पानी के साथ? पानी बाहर निकल जाएगा। बाहर तो नहीं बोल सकते अभी के लिए, पर पानी क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा ना, लिक्विड पानी तो नहीं है, ये फ्लूइड है मान लो कोई भी, तो फ्लूइड क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, तो कुछ ऐसे इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा इसकी वॉल्यूम, ज्यादा हो जाएगी लेकिन यहाँ पर कंसेंट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है सर। अब बताओ इस केस में मैंने ये प्रेशर लगाया इस फ्लूइड के ऊपर या सॉरी स्ट्रेस लगाया या प्रेशर लगाया, बताओ? प्रेशर। प्रेशर। हाँ, क्या लगाया? प्रेशर। कैसे कह सकते हो? स्ट्रेस लगा इस पे, जैसे एक्सटर्नल फोर्स थी पिस्टन। हाँ परमिंदर, ध्यान रखो क्या है, स्ट्रेस है। क्यों स्ट्रेस है? पक्का अभी किसी ने बोला है? प्रेशर है, सॉरी, क्यों है प्रेशर? प्रेशर है सर। क्यों है प्रेशर? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ये पिस्टन, एक्सटर्नल ही से आया है ना सर, अपने आप तो नहीं पैदा हो गया इसके अंदर, एक्सटर्नल फोर्स लगी है। और एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या लगा है सर? प्रेशर। जो टर्म यूज होगी वो प्रेशर होगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब क्या करें सर? अच्छा, अब इसने दबा दिया, ठीक है इसको, लेकिन सर इसके जैसे इसको दबाओगे तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स भी अपना एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे कि भाई मेरे को क्यों दबाया जा रहा है, तो वो भी अपनी अपोज करेंगे इस दबाने को, क्या करेंगे? अपोज करेंगे, खुलना चाहेंगे कि भाई हमें छोड़ो, क्यों दबाया जा रहा है? तो वो जो फोर्स होगी उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन लगा रहा है सर? फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, है ना, इंटरनली लग रहा है सर। कैसा फोर्स है सर ये? इंटरनली, कोई पिस्टन ने थोड़ी लगाया ये फोर्स, तो इंटरनली लग रहा है इनके अपोज करने के लिए, तो इंटरनली जो फोर्स लगता है उसको इस फोर्स के कारण जो भी ये फोर्स जो भी एरिया पर लग रही होगी, ये इंटरनल फोर्स जो भी एरिया पर लग रही होगी वो क्या प्रोवाइड कर रही होगी हमें? स्ट्रेस। जो पिस्टन वाली फोर्स है उसके कारण क्या आ रहा है? प्रेशर लग रहा है। और जो वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं बाहर आने के लिए कि भाई हमें क्यों दबाया जा रहा है इसके अपोज में, वो क्या है सर? स्ट्रेस है। ऐसा समझो कि भाई फ्लूइड में भी जान है, ऐसा समझो, तो फ्लूइड को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो पहले ऊपर से फोर्स लगाई तो प्रेशर लग रहा है, तो फ्लूइड के भी दिमाग में घूम गया सर भाई मेरे को क्यों दबाया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो गया सर? स्ट्रेस पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? स्ट्रेस भी पैदा हो गया जो उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। इसके अंदर स्ट्रेस भी लग रहा है और स्ट्रेन भी लग रहा है। ऐसे ही तुम गुब्बारा फुलाते हो, जो गुब्बारा फुलाते हो तो तुमने खुद से हवा भरी तो क्या डाला है तुमने? तो प्रेशर डाला है। लेकिन सर वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे सर? वो तुम्हारा अपोज करने के लिए वॉल्स पर एक फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से गुब्बारा फूलता भी है, वो क्या है सर? स्ट्रेस है। वो क्या है सर? स्ट्रेस है। तो तुमने जब प्रेशर डाला तुमने गुब्बारा फुला रहे हो पूरा बढ़िया तरीके से, है ना, एक टाइम आएगा गुब्बारा फूल जाएगा, लेकिन ज्यादा फूंक मार दी तो क्या हो जाता है? गुब्बारा फट जाता है। इस वजह से फटता है, प्रेशर की वजह से। हाँ फटता तो है प्रेशर की वजह से, लेकिन प्रेशर ने इनडायरेक्ट वे में फाड़ा है गुब्बारा, लेकिन एक्चुअल में किसकी वजह से? पता है, स्ट्रेस लिमिट रीच हो जाती है सर, अब नहीं होता,
ऐसे ही गुब्बारा भी क्या कहता है सर, गुब्बारे की भी एक लिमिट है कितना उसके अंदर तुम हवा भर सकते हो। तो तुमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर डाला, उसके कारण गुब्बारे ने, गुब्बारे के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स ने अपोज किया, तो क्या प्रोवाइड किया उन्होंने, स्ट्रेस। अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या आया, स्ट्रेस। तुमने यहाँ से प्रेशर बढ़ाया, उन्होंने स्ट्रेस बढ़ाया। तुमने यहाँ से प्रेशर बढ़ाया, उन्होंने स्ट्रेस और बढ़ाया। तुमने यहाँ से प्रेशर और बढ़ाया, उन्होंने स्ट्रेस और बढ़ाया। तुमने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उनका स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उनकी लिमिट से रीच हो गया, इसलिए गुब्बारा क्या हो गया, फट गया। ऐसा ही तुमने वीडियोस में कई बार देखा होगा कि तुमने पानी, ये लिक्विड को, फ्लूइड को इतनी तेजी से कंप्रेस किया, इतने फोर्स से, इतने प्रेशर से, कि लिक्विड से वो कंटेनर ही क्या हो गया, अगर कांच का कंटेनर है तो फट के पानी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। देखा होगा ऐसे भी तुमने कई बार कि सर मैंने बहुत सारी फोर्स लगाई, ये कंटेनर कांच का है मान लो, तो इस पर बहुत सारी फोर्स लगाई, कंप्रेस होकर इतना कंप्रेस हो गया सर, इतना कंप्रेस हो गया कि पानी यहाँ से ये फट गया सर, कंटेनर ही फट गया और पानी यहाँ से क्या आने लग गया, बाहर बहने लग गया। समझ में आ रहा है? अब ये किस वजह से हुआ है, हुआ तो प्रेशर की वजह से है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, ये देखो जब भी कंटेनर फटेगा, वो गिलास का बीकर फटेगा, तो उसके टुकड़े बाहर की तरफ आते हैं या अंदर की तरफ आते हैं, बाहर। और देखो बाहर की तरफ ये कौन सी फोर्स लग रही है, जो क्या प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है। क्या हुआ, इस ग्लास की भी एक लिमिट है सर, इसको टेंसाइल लिमिट बोलते हैं, बट हमने उसके उत्तर नहीं जाना, इसकी एक लिमिट है। तुमने उसके ऊपर प्रेशर डाला, जिसके कारण उन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को दिक्कत हुई, तो उन्होंने भी क्या प्रोवाइड करा, स्ट्रेस। क्या दिया, स्ट्रेस। तो और प्रेशर डाला, उनका स्ट्रेस और हो गया, क्योंकि लेकिन ये फोर्स जो स्ट्रेस वाली है कहां लग रही है सर, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, कहां, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तुमने और प्रेशर लगाया, उनका स्ट्रेस और बढ़ गया, और फोर्स लगाई, तुमने और प्रेशर लगाया, उन्होंने और फोर्स लगाई, तुमने इतना प्रेशर लगा दिया कि अब कंटेनर की स्ट्रेंथ को भी पार कर दिया उनके स्ट्रेस ने। अब उनका स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि कंटेनर की जो लिमिट है उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो कंटेनर क्या हो गया सर, टूट गया और पानी कहाँ आ गया, बाहर बह गया। क्लियर है सबको? तो ये स्ट्रेस के कारण हुआ एक्चुअल में। क्लियर है, हाँ या ना, बोलिए। तो इससे हमें क्या पता लगता है सर, हमें क्या नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए हमें, स्ट्रेस। स्ट्रेस। अब घर से कोई कहता है कि सर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मुझे प्रेशर हो रहा है या मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। अभी मैंने क्यों बताया ये, टाइम कम था आपने बताया क्यों, ये इसका रीजन है। आप देखो स्ट्रेस कौन सी फोर्सेस की वजह से आ रहा है, इंटरनल फोर्सेस तो है, लेकिन वो फोर्सेस क्या करना चाह रही है, देखो बैलून वाले एग्जांपल में देखो, इस फ्लूइड वाले एग्जांपल में देखो, स्ट्रेस वाली फोर्सेस क्या करना चाह रही है एक्चुअल में, सोचो ध्यान से, देखो और सोचो। ये जो फ्लूइड वाले जैसी है वैसी रह जाती है। हाँ, तो मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका क्या कर रही है, ये अपोज कर रही है, क्योंकि भाई जैसा है मैं वैसा रहना चाहता हूँ, फ्लूइड कह रहा है, लेकिन उसने फोर्स लगाई तो इसने अपोज किया, तो इसको रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, या रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं, क्या फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स भी बोल देंगे। तो वो रीस्टोरिंग या रेजिस्टिंग, तो अगर ये फोर्स है तो इसके कारण प्रेशर डेवलप होता है या स्ट्रेस डेवलप होता है, रीस्टोरिंग या रेजिस्टिंग फोर्स के कारण, क्या बोलोगे, प्रेशर डेवलप हुआ या स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस, स्ट्रेस, क्योंकि ये सर कैसी फोर्सेस होती हैं, इंटरनल फोर्सेस। तो भी मैंने ऊपर पीछे दो फोर्स, एक डीफॉर्मेशन फोर्स बोला था, याद है, ये कैसी फोर्स थी, एक्सटर्नल। ऐसे ही सर दूसरी फोर्स क्या होती है, इंटरनल, वो क्या हो, कैसी फोर्स होती है सर, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स विच अपोजेस द चेंज, विच Opposes the change. किसके कारण, जिसको डिफॉर्मेशन कर रहा है, डिफॉर्मेशन क्या करती है सर, साइज को चेंज, तो ये साइज के चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। डिफॉर्मेशन सर किसको भी चेंज कर सकती है, शेप को, तो ये भी शेप को क्या करेगा सर, अपोज करेगा चेंज को। ये सर दोनों भी कर सकते हैं, तो ये बोथ को भी क्या करेगी, अपोज करेगी। क्लियर है सबको, यस और नो? तो यस सर। डिफॉर्मेशन फोर्स ये फोर्स है, बताओ आप, तुमसे कोई पूछ ले, बताओ डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण प्रेशर आएगा या रीस्टोरिंग फोर्स के कारण प्रेशर होता है, प्रेशर, हाईलाइट कर दिए मैंने वर्ड, बताओ
डीफॉर्मेशन फोर्स के कारण प्रेशर आएगा या रीस्टोरिंग फोर्स के कारण प्रेशर आएगा? क्या लगता है? क्यों? क्योंकि डीफॉर्मेशन कैसी फोर्स है सर? एक्सटर्नल एक्सटर्नल के कारण आएगा. और रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या आएगा सर? स्ट्रेस. क्लियर है सबको? तो जब भी स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखो तो स्ट्रेस के फॉर्मूले में एफ अपॉन एरिया तो लिखोगे, लेकिन एफ कैसी होती है? इंटरनल रीस्टोरिंग या इंटरनल. और क्या लिख सकते हो? रीस्टोरिंग. ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्सटर्नल बाय ए तो ये किसका फॉर्मूला होगा? डीफॉर्म. ये तो फोर्स तो यही होगी, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ए प्रेशर. ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर. लेकिन कई कई बार तुम्हें बुक में ऐसा भी लिखा होगा, स्ट्रेस क्या कभी इसके इक्वल हो सकता है क्या? बताओ, बोलो. एफ एक्सटर्नल बाय, क्योंकि अभी तो हम पढ़ गए हैं स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? एफ रीस्टोरिंग बाय इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स यानी. लेकिन हम तो कौन सी फोर्स बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स. क्या ऐसा लिख सकता हूँ स्ट्रेस को मैं कभी? बताओ सर, ये तो किसका फॉर्मूला है? प्रेशर का नहीं होता? यस सर. तो फिर मैंने स्ट्रेस के आगे लिख दिया, क्या ये पॉसिबल है कभी? कोई बता सकता है? सोचो, ये एक ही केस में पॉसिबल है. कब? दिमाग लगाओ थोड़ा, कब पॉसिबल है सर ये? सर एक ही केस में पॉसिबल था सर. सर इसकी जगह क्या हो सकता, असली में क्या होना चाहिए एफ एक्सटर्नल की जगह? रीस्टोरिंग या इंटरनल. तो अगर एक्सटर्नल लिखा हुआ है, इसका मतलब सर एक ही केस हो सकता है जब एफ एक्सटर्नल और एफ रीस्टोरिंग आपस में क्या हो? इक्वल हो. हाँ ये भी हो सकता है. ये कब होगा सर? जब नेट फोर्स जीरो होगी, यानी बॉडी क्या होगी? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो चाहे आप एफ एक्सटर्नल बाय ए लिखो, चाहे एफ रीस्टोरिंग बाय ए लिखो, दोनों बातें क्या हैं? सेम है. लेकिन ये इक्विलिब्रियम है. लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे ना होगा तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा? सिर्फ एफ इंटरनल वाला. ठीक है, सब क्लियर है सबको? रीस्टोरिंग बाय ए, नॉट इन इक्विलिब्रियम. जब बॉडी कहाँ ना हो इक्विलिब्रियम में, तो सिर्फ यही, सिर्फ ओनली यही फॉर्मूला ठीक होगा. ओनली दिस. क्लियर है? तो अगर कोई बोल दे स्ट्रेस एफ एक्सटर्नल बाय ए के है, क्या हो सकता है, लेकिन कंडीशन है उसकी इक्विलिब्रियम. डन? क्लियर है? स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट, डीफॉर्मेशन फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रेशर, इन सब में किसी को कुछ भी डाउट है तो पहले पूछो. कोई डाउट? वरना अपना इमोजी भेजो, फिर हम चलते हैं. बस मेरे को आपके अब 3 मिनट चाहिए गिनती के. बस 3? कितने मिनट? 3 मिनट, फिर हम छोड़ देंगे आपको. क्लियर है सबको? आइए सर, अब आपने स्ट्रेस तो पढ़ लिया, लेकिन स्ट्रेस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं बच्चे. बहुत सारे नहीं, वैसे तो 2 टाइप होते हैं, लेकिन हम 3 टाइप में बोल देते हैं इसको. तो वो क्या है? बस इसी पेज पे, जो जो इसी पेज पे होगा ना, बस उतना ही काम है, उसके बाद छुट्टी आपकी. ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें. आज मेरी पेन टैप थोड़ा खराब है, तो आपको राइटिंग बहुत ही गंदी दिख रही होगी, बट इट्स ओके. आपको पता ही है वैसे मैंने कितने राइटिंग कंपटीशन जीते हुए हैं. राइटिंग अच्छी होगी पहले से. अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो पेन टैप खराब ही रहने देते हैं. पैस अच्छी होगी. ये पेन टैप का कमाल है. फिर वो खराब हो गया, नजर लग गई इसको. देखो बंद हो गया फिर. तो स्ट्रेस कितने कितने टाइप का होता है? बस सर 3 टाइप का बताओ फटाफट. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस. क्या बोलते हैं सर इसको? लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस. असली नाम तो नॉर्मल स्ट्रेस है. वैसे और भी नाम होते हैं इसके, आगे पढ़ेंगे. टेंसाइल भी बोल सकते हैं. दूसरा स्ट्रेस क्या होता है सर? टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल स्ट्रेस, वेरी गुड. और तीसरा स्ट्रेस सर, उसका नाम होता है वैसे तो, हाँ वैसे होता तो वो नॉर्मल स्ट्रेस ही है, बट उसका नाम अलग से बोल देते हैं. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. ओके सर, ओके ओके. क्या फर्क है सर दोनों में? देखो, देखिए जल्दी ताकि खत्म कर दे क्वेश्चन.
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होगा सर? अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है सर, मान लो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ में भी चेंज बोल सकते हो, और ऐसा बोल सकते हो जब भी फोर्स क्या लगेगी सरफेस के परपेंडिकुलर, इस क्रॉस सेक्शन पे लगा रहा हूँ, इस पे इसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो इसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, बस इसी कारण इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेकिन ये फोर्स नॉर्मल लगी है इसलिए इसका नाम क्या भी है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो सर नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, एफ नॉर्मल अपॉन एरिया। सर स्ट्रेस का फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर देंगे, वो तो फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, बस फोर्स का टाइप अलग हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स कैसे लगेगी, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब दूसरा केस क्या है सर, टेंजेंशियल। अच्छा अब एक बात याद रखना, मान लो ये फोर्स लग रही है तो इसको खींच रहा होगा, तो इसके अपोजिट एक और फोर्स भी तो लग रही होगी जो अंदर से लग रही होगी, वो क्या होगा, एफ रिस्टोरिंग। हाँ या ना, क्योंकि किसी भी बॉडी को अपोज करोगे वो बॉडी अपना खुद को अपोज भी तो करेगी ना, वो कौन सी फोर्स होती है, एफ। यस सर, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फॉर्मूला सही है, एफ रिस्टोरिंग अपॉन एरिया या एफ एक्सटर्नल वाला, ये एफ एक्सटर्नल है मान लो एन, कौन सा फॉर्मूला सही है, रिस्टोरिंग वाला या एक्सटर्नल वाला, तुम बताओ, स्ट्रेस पड़ रहे हो तो कौन सा फोर्स सही होना चाहिए फॉर्मूला, एफ रिस्टोर। हाँ तो वही फॉर्मूला रिस्टोरिंग वाला, यही फॉर्मूला सही होगा। लेकिन इस कंडीशन पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में आपको पता है चाहे कोई भी लिख दो, चाहे एक्सटर्नल लिख दो चाहे रिस्टोरिंग लिख दो, क्लियर है सबको, याद रखना। अभी हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं वो सारा किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम। चलिए सर, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसा होगा, मान लो ये दो क्यूब है, चल जा भाई, ये दो क्यूब है, अरे बस एक ही चीज करानी है बच्चों को, चल जा। देखो तो ये एक क्यूब है, मान लो क्यूब नहीं एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये रहा, अगर मैं इनके ऊपर फोर्स लगाता हूँ सर, ये एक क्यूब है मान लो, ये सारे दोनों क्या है, क्यूब है सर, कैसे है, क्यूब है सर, समझ पा रहे हो, yes, है ना? अब मैंने यहां से इसको फोर्स लगाया ऐसे, और यहां से इसको लगाया फोर्स ऐसे, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्यूब इधर हो जाएगा और ये वाला क्यूब इधर हो जाएगा, हाँ या ना, ऐसे फोर्स लगेगी ना इस पे? तो सर ये टेंजेंट फोर्स कैसे टेंजेंट पे, तो इसलिए यह सरफेस के पैरेलल, टेंजेंशियल, तो इसलिए इस फोर्स का, इस स्ट्रेस का नाम क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसको बुक्स में कैसे दिखाया जाता है, इसका डायग्राम मैं वो बताता हूँ, बॉडी को मूव तो करना नहीं, अब मूव नहीं कर रहा मान लो, मतलब मूव इन द सेंस वैसे मूव नहीं, दिखाता हूँ मैं एक चीज, चल जा भाई। देखो मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जैसा भी तुम मानना चाहो, ठीक, इसके सिर्फ ऊपर वाले, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा पॉइंट पर डिपेंड करता है, याद रखना इस बात को, किस पे डिपेंड करता है हमेशा, पॉइंट पर, तो पॉइंट ऑफ एक्टिंग, पॉइंट जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन पर भी डिपेंड करता है, इसीलिए जिसके ऊपर फोर्स लगाया वहीं पर स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा। सिर्फ यहाँ पर एक फोर्स लगाई है मैंने, तो क्या नीचे फोर्स लगाई है, बोलो क्या मैंने नीचे कोई फोर्स लगाई है, हाँ या ना, नीचे ये सिर्फ ऊपर ऊपर लगाई हुई है, बोलो सिर्फ ऊपर ऊपर लगाई हुई है, यस और नो, बोल दो, दिख रही है क्या नीचे फोर्स, पहले तो ये बताओ दिख रही है कोई, नहीं दिख रही, तो सर नीचे, नीचे वाला चेंज होगा नहीं, नीचे वाला एरिया चेंज, नीचे वाला सरफेस चेंज होगा ही नहीं, तो जहां फोर्स लगाइए सिर्फ वही चीज आगे बढ़ जाएगी, दिख रही है, ये चीज आगे बढ़ जाएगी, लेकिन नीचे वाले पे फोर्स नहीं लगाई तो नीचे वाला वहीं का वहीं रहेगा, तो शेप कुछ ही हो जाएगी, दिख रहा है, दिख रहा है, yes, sir. तो देखो नीचे वाला सरफेस तो मेरा चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाले जो सरफेस है उसको आगे की तरफ खिसका दिया, अब नई जो शेप दिखेगी तुम्हें ऐसे दिखेगी, दिख रही है, ये हो गया मेरा नया, क्योंकि सर फोर्स सिर्फ किस पे लगी थी, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे, इसलिए आगे भी ऊपर वाले पे, आगे भी कौन किसका, सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला वैसे का वैसे है, तो ये टेंजेंट लगी है सरफेस के पैरेलल, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं इसको, तो इस स्ट्रेस का नाम हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया, ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक, हालांकि वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस होता है ना बच्चे,
वो नॉर्मल स्ट्रेस से ही आता है, बट इसका नाम अलग कर दिया। क्या होता है, मान लो कोई लिक्विड है या कोई भी हमारे पास स्फीयर सा शेप है, उसके ऊपर हर जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ। लिक्विड नहीं, एक स्फीयर की शेप है, मान लो हर जगह से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ सर, प्रेशर हुआ या स्ट्रेस हुआ? प्रेशर। और इसके अंदर से भी एक डेवलप होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो इनके बीच का जो प्रेशर, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बस डेल्टा पी वो याद रखना अभी के लिए। इसको बोलते हैं क्या, एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की। ये एक्सेस प्रेशर कहाँ आया, कैसे आया, ये हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए आपको यही दिमाग में रखना है सर, स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, और सर कौन सा स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और तीसरा स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक। टेंजेंशियल स्ट्रेस का एक और नाम भी है बच्चे, शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक को बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक। बट अभी हम नहीं करते इतना काम, इतना ही याद रखो, शियर स्ट्रेस तो याद रह जाएगा। तो स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क, अब मैं जो जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना छुट्टी पे, स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क समझ में आ रहा है, यस और नो, सब बोलेंगे यस यस। अच्छा सर, इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया, यस सर। डीफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में फर्क समझ में आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है बताते हैं, बताते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है बताओ, कौन बताएगा, जो शेप और साइज को अपोज करती है। वेरी गुड, जो शेप और साइज को अपोज करती है। और जो स्ट्रेस होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, एक्चुअल में रीस्टोरिंग फोर्स इंटरनली होती है। शियर स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस, उसमें जो फोर्स लगती है, जैसे इस केस में फोर्स परपेंडिकुलर लगी थी सरफेस के, इस सर्कल वाले एरिया के देखो, इसके परपेंडिकुलर लगी है फोर्स, लेकिन यहाँ पर सरफेस के अलोंग ही लगती है, जिस डायरेक्शन में सरफेस है, मतलब जिस जगह पे फोर्स सरफेस है उसी डायरेक्शन में, जहां पर मेरा सरफेस पड़ा, मान लो ये सरफेस है, दिख रहा है, दिख रहा है ये सरफेस, अब सरफेस मेरा ऐसे है ना, ऐसे इसकी लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, टेंजेंशियली लगा रहा हूँ, इसी के अलोंग लगा रहा हूँ, तो इस कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसका नाम क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस फोर्स का नाम मैंने बोल दिया टेंजेंशियल फोर्स। क्या नाम बोल दिया इसका, टेंजेंशियल फोर्स। तो आई थिंक अब क्लियर। और स्ट्रेस के टाइप समझ में आ गए तीनों सबको, लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक। ऐसे ही जितने स्ट्रेस होते हैं उतने ही स्ट्रेन होते हैं, तो तीन ही क्या होंगे स्ट्रेन, एक का नाम हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, फिर दूसरे का भी बताएंगे, शियर में भी बोल सकते हो, लेकिन इसको हम एरिया की फॉर्म में भी बात करेंगे, लेकिन तीसरा तुम आराम से बता दोगे कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक। एक में लेंथ चेंज हो रही है, एक में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ऐसा ही। अब जितने स्ट्रेन होते हैं उतने ही मॉडुलस होते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सुना हुआ है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस सुना हुआ है ना, तो ये कैसे होंगे सर, यंग्स मॉडुलस में हमेशा कंफ्यूज होता है, कब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है, कब बल्क मॉडुलस का लगाना है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होता क्या है सर। और इसके बहुत सारे पीवाईक्यूज, जैसे हमने पिछले चैप्टर के भी पीवाईक्यूज करे थे, याद है, इस चैप्टर के भी करेंगे, जिसमें यंग्स मॉडुलस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और छोटा है इसीलिए पहले उठाया इसको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और बात करेंगे, और इसके पीवाईक्यू तो करने ही है हमने, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे लेकिन वो, ठीक। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है। नो सर। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय बाय।